नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका हमारे मॉर्निंग प्राइम टाइम। आज सुबह में आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। रैली पर तैयार, आंदोलन पर लेकिन आर पार, किसानों के रुख को देखते हुए 26 जनवरी के मौके पर पुलिस ने ट्रैक्टर रैली को तो मंजूरी दे दी है, लेकिन सरकार ने अपना इरादा साफ कर दिया है कि कानून वापस लेने और एमएसपी को कानून बनाने का सवाल ही नहीं। अब ऐसे में आंदोलनकारी किसानों की रणनीति क्या होगी, सवाल ये है, और कैसे गतिरोध को दूर करने के लिए सरकार और किसान अब आगे बढ़ सकते हैं, इस पर सवाल बना हुआ है। लेकिन ये अलग अलग तस्वीरें भी आप देखिए, एक तरफ ट्रैक्टर रैली के लिए तैयारियां हैं, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जबरदस्त इंतजाम है। सस्पेंस के बीच कल होने वाली ट्रैक्टर रैली के लिए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए हुए हैं। ये जो तीन सर्कुलेशन होगा, इसको भी हम एक फेल प्रूफ सिक्योरिटी कवर किस तरह से देंगे और इस बात का आकलन भी करना और साथ साथ उनसे संवाद भी स्थापित करना कि जब ये ट्रैक्टर रैली होती है तो उसकी टाइमिंग, जब ये ट्रैक्टर रैली होती है तो वहाँ कैसे शांति व्यवस्था कायम रखी जा सके, कैसे उनको समग्र रूप से पूर्ण रूप से कैसे सुरक्षित रखा जा सके इंटेलिजेंस के थ्रू और वेरियस एजेंसीज के थ्रू, ये बार बार आ रहे हैं। हमारे हर लेवल पे हमारी निगाह है और हर किसान को अपने अपील की है कि अपने साथ वो ही चार आदमी बिठाए जिनको वो पर्सनली जानता है ताकि कोई गलत आदमी ना आ जाए, और हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो भी इसको चेक करेंगे। तो पूरी कोशिश करेंगे, अगर कोई वायलेंस या कोई गड़बड़ हुई तो उसके लिए 101% सरकार और उसकी एजेंसी जिम्मेवार होंगी। मुझे नहीं लगता कि उनको वो प्रस्ताव निरस्त करना चाहिए था, क्योंकि वो प्रस्ताव किसान के हित में हो सकते थे, उनकी मांग को पूरा करने वाले हो सकते थे और हम आगे बढ़ सकते थे। लेकिन अभी ये गतिरोध बना हुआ है और चूंकि उनकी तरफ से कोई प्रस्ताव अभी नहीं आया है, परसों जब बातचीत हुई तो मैंने ये कहा कि भाई कई बार बातचीत हो चुकी है और सरकार ने एक के बाद एक अनेक प्रस्ताव आपके समक्ष रखे हैं, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आप किस प्रस्ताव पर सहमत होंगे। तो रिपील के अतिरिक्त कोई प्रस्ताव आपके मन में हो तो आप जरूर आइए, तो हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, निर्णय करेंगे और निर्णय को घोषित भी करेंगे। तो अक्टूबर नवंबर तक चलेगा मामला, ऐसे ही थोड़ा खत्म हो जाएगा। सरकार भी बड़ी चीज है, किसान भी बहुत बड़ी चीज है, दोनों हंसने दे, दोनों के सिंह फंस गए, बीच में कोई ना ही हो, हमारे कोई मध्यस्थता भी नहीं करेगा। ना ना ना, ना अब बीच में आने की जरूरत नहीं, बस किसी को अब दोनों के फंस गए सिंह, दोनों ने गोटी ढा रखी। तो आइए करते हैं चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं चर्चा के लिए, बृजमोहन श्रीवास्तव जी हमारे साथ आ गए हैं, आप एनसीपी के प्रवक्ता हैं। वीरपाल सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप कृषि विशेषज्ञ हैं। बालकरण सिंह बरार हमारे साथ जुड़ेंगे, आप अध्यक्ष हैं AIKS पंजाब से, और सुधांशु त्रिवेदी जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ेंगे। शुरुआत में यहाँ पर बृजमोहन श्रीवास्तव जी आपके साथ करना चाहूंगी। देखिए, नासिक से भी किसान निकले हैं, मुंबई के आजाद मैदान में भी आज एक बड़ी तैयारी है, लेकिन सवाल ये, सरकार जितना झुक सकती थी उतना सरकार झुक चुकी है ऐसा दिखाई देता है, कानून वापसी पर ही अड़ना ये कहां तक जाए? और विपक्षी पार्टियां तो खुद पहले जब सत्ता में थी वो इन्हीं बिंदुओं की जो है वकालत करती रही हैं। अगर आप वकालत की बात कहती हैं तो इन्हीं बिंदुओं का विरोध करती रही है बीजेपी। सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली साहब की अगर आप राज्यसभा में दिए गए बयानों को पढ़े सुने उनको, तो उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से इसका विरोध किया है। तो मैं सोचता हूँ कि इन बातों को कहने की जगह आज की जो वस्तुस्थिति है हमको उसका मूल्यांकन करना चाहिए। इतने बड़ा जो सैलाब है किसानों का, जब वो अपनी नस्ल, अपनी फसल और अपनी जमीन बचाने का संघर्ष कर रहा हो, तो किसी भी संवेदनशील सरकार को, खासतौर से ऐसी सरकार जो लोकप्रिय मतों से बनती है, उसको अपने मतदाताओं का और अपनी जनता की भावनाओं का ध्यान रखते हुए निर्णय लेना चाहिए। और मैं सोचता हूँ कि जिस प्रकार से किसानों ने अभी ठान लिया है, इस पे सरकार को गंभीरता से अपने कदम पीछे लेना ही चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से जो भाषा, बृजमोहन जी, शरद पवार जी भी कृषि सुधारों के समर्थक रहे हैं, उसकी बात लेकिन पुरजोर तरीके से रखते रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर कानून में खामियां हैं तो उन खामियों पर बात करने और उन्हें दूर करने की बजाय इस बात पर अड़ जाना कि कानून ही वापस लीजिए, ये क्या सिस्टम है? देखिए, सरकार इस मामले में किसानों को समझा नहीं पा रही है।
ये सरकार की कमी है, सरकार की तरफ से ये कमी आई है कि सरकार किसानों को विश्वास में नहीं ले पाई। आप देखिए कि इस पूरे आंदोलन में राजनीतिक दलों की कोई भूमिका नहीं है, जो भी मुद्दा उठाया है वो किसानों और उनके संगठनों ने उठाया है। तो ये कहना बिल्कुल नितांत गलत है कि इस पे कोई राजनीतिक उनका विद्वेष है या कोई राजनीतिक लोग नहीं, सरकार को समझा नहीं पाई वो बात ठीक है, आप इस पर सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब देंगे, ठीक है उस पर सुधांशु जी जवाब देंगे, लेकिन सर मेरा आपसे सवाल ये है कि सरकार नहीं समझा पा रही, लेकिन फिर विपक्ष भी तो उसको हवा दे रहा है ना, सरकार का तो सीधा सीधा आरोप ये है कि विपक्ष भड़का रहा है किसानों को। नहीं मीनाक्षी जी, आपको बिल्कुल ये आरोप गलत है कि किसानों को कोई भड़का सकता है। किसानों की आप बात सुनिए, जिस प्रकार से वो अपनी बात कह रहे हैं वो एक कमिटमेंट के साथ लोगों के सामने है। अभी तक उन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं कही है जो ऐसा लगे कि कहीं वो अनुशासन को तोड़ रहे हो या देश की अखंडता को कहीं प्रभावित कर रहे हो। उनके आप विचार सुनिए, उस पर कमिटमेंट दिख रहा है। उस कमिटमेंट को अगर राजनीति करने वाले लोग अगर समझ नहीं सकते हैं, मैं सोचता हूँ ये राजनेताओं की बहुत बड़ी कमी है। चलिए ठीक है, सुधांशु जी भी आ गए हैं हमारे साथ चर्चा में, ठीक है सुधांशु जी। अब सवाल ये है कि ट्रैक्टर रैली को मंजूरी दे दी गई है, ना तो आप किसानों को समझा पाए ना उन्हें डरा पाए, हाल यह है कि अब ट्रैक्टर रैली हो रही है और वही ट्रैक्टर रैली हो रही है जिसे लेकर सरकार के मंत्री कह चुके हैं कि छवि खराब हो जाएगी, कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी, अल्टीमेटली आपको अनुमति देनी पड़ी। देखिए पहली बात तो हम किसी को डराने का प्रयास नहीं कर रहे थे, समझाने का प्रयास कर रहे थे। जहां तक रैली की बात है, मैं आज भी यह बात ईमानदारी से कहता हूं, देखिए गणतंत्र दिवस पर हम और आप कहीं भी जा रहे होते हैं, देश के किसी भी बस अड्डे पे, रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, आप देखते हैं कितनी जबरदस्त चेकिंग होती है। दिल्ली के आसपास एक दिन पहले रात से जगह जगह बैरिकेडिंग लगा के कोई सब रैली में नहीं जा रहे होते हैं, हमेशा हर साल की बात कर रहा हूं, क्योंकि गणतंत्र दिवस पर अत्यंत संवेदनशील स्थिति होती है, कोई भी देश विरोधी शक्तियां, कोई आतंकवादी घटना कर सकती है। ऐसे में इतनी विशाल रैली लेके चलना, और खासकर तब जब मैं बिल्कुल ईमानदारी से कहूं, किसान खुद कह चुके हैं, अभी हमारे श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं आ रहे, भी कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा लगा के तो लोगों ने नारेबाजी की। तो जब वो लोग ये कहते हैं कि चाहे वो शाहीन बाग वालों की बात करने वाले, चाहे वो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, कोई आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, हमने तो किसी को बुलाया नहीं था, तो अब यहां पर यह आसन्न खतरा हो जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि किसान यूनियन जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं कि उनके आंदोलन में या उनके कार्यक्रम में कोई भी आ सकता है। तो जब कोई भी आ सकता है तो पुलिस के लिए संवेदनशीलता बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि जब कोई देश विरोधी शक्ति कुछ करना चाहेगी तो उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि हम सरकारी सिस्टम में किए या आम जनता के बीच में किए। इसलिए सरकार इस विषय पर थी, परंतु फिर भी सरकार ने इन तमाम दबावों और इन बाध्यताओं के बावजूद उनको मौका दिया है। और मैं भी श्रीवास्तव जी से कहना चाहता हूँ साहब, ऐसा तो नहीं कि कोशिश नहीं की नेताओं ने, हरियाणा के कई नेताओं ने किसान मंच पे आने का प्रयास किया, किसानों ने उन्हें आने नहीं दिया, और तो और गुरनाम सिंह सटनी जी के ऊपर तो आरोप ही लगा कि वो गुपचुप जाकर कांग्रेस के नेताओं से मिले थे। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि अब सरकार की तरफ से कह दिया गया है, सरकार की तरफ और कह दो, ठीक है कंप्लीट करिए। बृजमोहन जी, ये शरद पवार जी ने अपनी आत्मकथा की पुस्तक में क्या ये सेंटेंस नहीं लिखा है कि जब बारामती के किसान को अपने खेत से ले जाकर मंडी में और कभी कभी मुंबई की मंडी तक जाके बेचना पड़ता था और 16-18% उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता था तो मुझे हार्दिक कष्ट होता था। अब आप मुझे बताइए, इसीलिए वो हार्दिक कष्ट मैं जवाब देना चाहता हूं और हार्दिक कष्ट का निवारण क्या है, और दूसरा 2008 में शरद पवार जी ने जो पत्र लिखा, और तीसरा सुन लीजिए जो आप कहते हैं कि कारपोरेट वर्ल्ड और इसकी बात, तो रिलायंस ने शरद पवार जी के ही जन्मदिन के ऊपर अपना अखबार में इश्तेहार दिया कि नहीं, इसलिए तीनों मुद्दे को ऊपर। ठीक है चलिए, अब श्रीवास्तव जी आप पहले जवाब दीजिए, फिर हम कुमार कुणाल के पास भी चलेंगे। कृषि मंत्री रहते हुए देखिए शरद पवार जी ने मुक्त बाजार की वकालत की थी और इसके लिए एपीएमसी कानून में संशोधन के लिए उन्होंने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र भी लिखा, लेकिन आज आपकी पार्टी विरोध कर रही है, जो सवाल इस वक्त सुधांशु जी भी उठा रहे हैं, जवाब दीजिए श्रीवास्तव जी। नहीं देखिए, उन्होंने उस समय सुझाव मांगे थे, फैसला नहीं किया था, सुझाव मांगे थे, इस सरकार ने फैसला कर लिया, सुझाव नहीं लिए, यही तो मुद्दा है। नहीं लेकिन क्या मुक्त बाजार की वकालत नहीं की थी? देखिए अभी उस समय भी हाँ या ना में जवाब दीजिए, क्या मुक्त बाजार की वकालत नहीं की थी? हाँ या ना में जवाब दीजिए। उन्होंने कहा था कि समानांतर दोनों व्यवस्थाएं होनी चाहिए और महाराष्ट्र में समानांतर व्यवस्थाएं चल रही है, यहाँ पर प्राइवेट मंडी भी है और प्राइवेट मंडियों के ऊपर रेगुलेशन भी है और साथ ही साथ यहाँ पर एक निर्धारित दर से चीज खरीदी जाती है। आप मुझे एक बात बताइए, पूरे देश में सरकार की ट्रेन चलती है,
ट्रेन का टिकट फिक्स है, कोई चाहे कि कम में मेरे को कोई ले जाए तो ट्रेन लेके नहीं जाएगी। सरकार ने अपनी हर चीज को नियंत्रित कर रखा है, लेकिन किसान अपनी किसी भी चीज को उसके चाहे हुए दरों पे बेचने के लिए उसको कोई खुला बाजार नहीं है, उसके ऊपर कोई कानून नहीं है। इससे जो किसान का शोषण हो रहा है, उस शोषण को बचाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने उस समय फैसला लिया था, और आज उसकी सफलता यह है कि दोनों सिस्टम यहाँ पे चल रहे हैं। लेकिन देखिए श्रीवास्तव जी, सवाल तो यही है ना कि कृषि सुधार अगर इसी तरह से राजनीति की बलि चढ़ते रहेंगे तो फिर उसके लिए आगे मार्ग कैसे प्रशस्त होगा? भारत में कृषि क्षेत्र में जो समस्याएं हैं, सरकार के पास अब तक बहुमत वैसा नहीं था कि इतने बड़े फैसले लिए जा सके। अगर वो ताकत आई है और विरोध अगर विपक्ष का इस आधार पर होगा कि सिर्फ विरोध करना है, तो फिर कृषि सुधार कैसे हो पाएंगे? वीरपाल जी आपकी टिप्पणी, फिर मैं कुमार कुणाल के पास जाऊंगी। मीनाक्षी, इसमें मैं ठीक है, एक सेकंड उनको जवाब देने दीजिए, फिर मैं आऊंगी आपके पास। वीरपाल जी, कैसे होंगे देश में कृषि सुधार? मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे अभी हमारे एनसीपी के नेता ने कहा है कि शरद पवार जी ने पैरेलल एपीएमसी के पैरेलल एक सुविधा डेवलप करनी चाहिए, तो हमारी ये केंद्र सरकार भी तो यही कर रही है। केंद्र सरकार ने तो यही किया, भैया किसान की मर्जी है एपीएमसी में जाए या एपीएमसी में बाहर जाए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करे, या जो 300 हमारा आवश्यक वस्तु संशोधन नियम है उसको फ्री किया, ताकि बाजार में ज्यादा बायर्स आए, ज्यादा हमारे किसानों का जो प्रोडक्ट है वो उचित दाम पर डिमांड हो, किसानों को अधिक लाभ हो। तो यही तो सरकार कर रही है, ये क्यों नहीं समझ पा रहे? असलियत में क्या है, ये लोग करना तो चाह रहे थे खुद भी, लेकिन ये नहीं कर पाए, तो इस सरकार ने ये लागू कर दिया, ये जो संशोधन है, तो ये इन लोगों पे ये बात हजम नहीं हो रही। अदरवाइज केंद्र सरकार ने जो अब किया है, 90% लोग किसान भाई ये कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा काम किया सरकार ने, हमें अपने एपीएमसी से छुटकारा मिलना चाहिए था, हमारे एपीएमसी में बहुत गला घोटू हो रहा था, जो चाहते कमीशन एजेंट वो हमें हमारे उत्पाद का मूल्य देते थे और मन मर्जी कमीशन हमारे से वसूलते थे। तो सरकार ने यही तो किया। इवन हमारे भारतीय किसान यूनियन के जो अध्यक्ष हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने तो डिमांड करी थी और सरकार का स्वागत किया था कि भाई ये बहुत अच्छा किया सरकार ने। देखो मेरे पास रखा, मैं दिखा भी सकता हूँ आपको भी, कि बहुत अच्छा किया सरकार, केंद्र सरकार ने ये जो बिल खोले हैं, और हमें इससे किसानों का जो उत्पाद है हमारे बेचने के रास्ते ज्यादा खुले हैं, इसलिए ज्यादा बायर्स आएंगे, ज्यादा खरीदार आएंगे, ज्यादा बिजनेस होगी, किसानों को जरूर फायदा होगा, और केंद्र सरकार यही चाह रही है। मेरे हिसाब से तो यही चाह रही है, कृषि आंदोलन होने के नाते। चलिए आपने अपना पॉइंट रखा, एक बार कुमार कुणाल के पास चलते हैं, वो इस वक्त मौजूद है, लगातार किसान आंदोलन को कवर कर रहे हैं। अब कुणाल, खबरें इस तरह की भी आ रही हैं कि जो रूट पहले पुलिस और किसानों के बीच तय हुआ, अब उसे लेकर भी कुछ असमंजस है या उस पर भी कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या तैयारी है कल के लिए? देखिए, तैयारी तो इस तरीके की है कि हम गाजीपुर बॉर्डर में हैं और यहाँ पर हजारों की तादाद में लगातार ट्रैक्टर आए हैं पिछले दो दिनों में, और कुछ एक ट्रैक्टर ऐसे भी हैं जो अब भी रास्ते में हैं और यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। तो ट्रैक्टर रैली की जो तैयारी है वो तो अपनी जगह पर है ही, साथ ही साथ कुछ संगठन जो है, जैसे भारतीय किसान मजदूर संगठन, वो ये कह रहे हैं कि जो पहले से तय रूट था उस पर ही हम करेंगे, उसको लेकर भी दिल्ली पुलिस एक बैठक कर रही है, कर सकती है, उसको भी समझाने बुझाने का प्रयास हो सकता है। तो कुल मिलाकर के जो अभी स्थिति बनी हुई है कि तीन रूट तय किए गए हैं, एक गाजीपुर बॉर्डर से अप्सरा बॉर्डर होते हुए डासना होकर के वापस गाजीपुर आएगा, दूसरा जो है वो सिंघू बॉर्डर से चलेगा बादली बवाना होते हुए वो हरियाणा के रास्ते फिर सिंघू बॉर्डर पहुंचेगा, तीसरा टीकरी बॉर्डर से। तो ये तमाम चीजें हैं, अपनी तैयारी हर जगह पर चल रही है, पुलिस भी बंदोबस्त कर रही है, वॉलंटियर भी हैं जो किसानों के अपने वॉलंटियर हैं, वो भी स्थिति को सामान्य बनाने के लिए, व्यवस्था कायम करने के लिए अपनी तरफ से लगे रहेंगे। ठीक है, शुक्रिया आपका कुणाल इस जानकारी के लिए। लेकिन किसानों की लड़ाई दिल्ली से लेकर मुंबई तक अब पहुंच चुकी है और इसी पर सवाल आगे सुधांशु जी से भी होंगे। तो लगातार आज की बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं, 26 जनवरी से पहले आज की क्या स्थिति आप ये देखिए। ट्रैक्टर रैली को लेकर किसानों को अनुमति तो मिल गई है पुलिस की तरफ से, लेकिन अब देखना यह है कि कल जब ट्रैक्टर रैली होती है और उसे लेकर जो चिंताएं पुलिस के मन में है, अब इस पर क्या तस्वीर उभरती है। हालांकि देखिए, देश के दूसरे शहरों से किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर्स और लोगों का जुटना शुरू हो गया। इस बीच आपको हम रूट प्लान भी दिखा रहे हैं। पहला रूट 60 किलोमीटर का है, दूसरा रूट 63 किलोमीटर का है, जो इस वक्त आप देख भी रहे हैं, आपको नक्शे पर हम दिखा रहे हैं ये किस तरह से आगे बढ़ेगा। और जो तीसरा रूट तय हुआ है वो 46 किलोमीटर का होगा, ये गाजीपुर बॉर्डर से लेकर अप्सरा बॉर्डर तक, और इस पूरे हिस्से पर निकलेगा। 61वां दिन है ये आंदोलन का, 2 महीने बीत चुके हैं लेकिन अभी तक मामला सुलझ नहीं पाया है। सरकार ने कहा है कि बातचीत का प्रस्ताव और अगली तारीख अब किसान तय करें।
तो आज मुंबई के आजाद मैदान में भी करीब 15,000 किसान इकट्ठा हुए हैं। दिल्ली के प्रदर्शनकारी किसानों के समर्थन में नासिक और महाराष्ट्र के कुछ अन्य जिलों के किसान आजाद मैदान पहुंच रहे हैं। शरद पवार, आदित्य ठाकरे भी किसानों के इस प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं। और सवाल अब ये उठ रहा है कि जिस तरह से दिल्ली में बैठे किसानों के समर्थन में अब देश की आर्थिक राजधानी मुंबई तक में गूंज सुनाई दे रही है और नासिक से चलकर किसान वहां तक पहुंच रहे हैं, तो क्या आंदोलन देशव्यापी हो रहा है, जिसको लेकर अब तक सवाल उठ रहे थे कि सिर्फ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ संगठन वहां बैठे हैं, लेकिन महाराष्ट्र के किसानों का इस तरह से साथ मिलना, अब यहां से आगे की तस्वीर क्या होगी, इस पर सवाल बने हुए हैं। राज्यपाल से मिलने की तैयारी है, हालांकि इसे अब तक मंजूरी नहीं मिली। सभी खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। सुधांशु जी, अब तक तो ये कहा जा रहा था कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान हैं, लेकिन महाराष्ट्र से जिस तरह से किसान कूच कर रहे हैं, अब क्या इसे देशव्यापी माना जाए? कल को अगर बंगाल से भी किसानों के समर्थन में आ जाएंगे कुछ और किसानों के ग्रुप, तो सरकार क्या करेगी? देखिए मीनाक्षी जी, देश में सर्वाधिक किसानों की दुखद आत्महत्याएं जिस क्षेत्र से होती है वह विदर्भ महाराष्ट्र। कितने किसान आंदोलन कर रहे हैं वहां, और कितनी विचित्र बात है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र, वहां की सत्ताधारी पार्टी उसके खिलाफ कर रही है आंदोलन। अरे भाई, आप कम से कम अपने आपके अधिकार में, आप सरकार में, निरस्त कर दीजिए उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को। अभी किरीट सुमैया ने तो बताया, देखिए कहते कुछ और करते कुछ। अभी आपके में दिखाया गया कि तमिलनाडु में जाकर जली कुट्टी कट्टू पर जिस इनकी सरकार ने, राहुल गांधी की सरकार ने प्रतिबंध लगाया और जाकर उसका समर्थन कर दिया। कहते कुछ करते कुछ। अब बताइए ममता जी के में आपने दिखाया, वहां पे क्या किया? सरकारी कार्यक्रम में कुरान की आयतें बोलने में समस्या नहीं है, जय श्री राम बोल दिया गया तो बेइज्जती हो गई। तो क्या चरित्र, अभी आपने देखा किसानों के आंदोलन का, अपना फुटेज जरा दर्शकों से कहिएगा रिवाइंड करके देखें, उसमें ऑडी कार चलती हुई नजर आ रही थी। और यह एक विचित्र संयोग है कि पंजाब एक ऐसा राज्य होगा जहां स्कूटर पर चलने वाला तो इनकम टैक्स देता है, ऑडी कार पर चलने वाला इनकम टैक्स नहीं देता है। और मैं फिर यह बात कहूंगा विनम्रता से, इसे अन्यथा न ले, ये ट्रैक्टर रैली या ट्रैक्टर वाले किसानों की रैली। भारत में कितने लोगों के पास ट्रैक्टर है? 43 लाख। और आंदोलनकारी किसान खुद कहते हैं हम 62 करोड़ किसान हैं, तो 61.5 करोड़ कहां है भाई मान्यवर? दूसरा, कल ले जाके सारे अपने कैमरा से दिखवाइएगा ये ट्रैक्टर है कौन से। सरकारी कंपनी थी HMT, वो तो वर्चुअली खत्म हो गई, उसका शेयर 0.25% रह गया। अब ये जितनी प्राइवेट कंपनियों के ही ट्रैक्टर किसानों ने क्यों खरीदे, अगर उनको अच्छी कीमत और अच्छी सहूलियत नहीं मिली तो? अब बताइए उन जो बात कह रहे हैं, ट्रैक्टर तो वो प्रोडक्ट है सिर्फ किसान खरीदता है, तो उसके हिसाब से महिंद्रा, आइशर, सोनालिका और कई विदेशी कंपनियां जो ट्रैक्टर खरीदती है उन्होंने तो लूट के खा जाना चाहिए था किसान को। अब बताइए अपनी सुविधा के लिए सब खुली बाजार की व्यवस्था ले रहे हैं और यहां पे आके क्या कह रहे हैं, खुला बाजार गलत है। मैं फिर कह रहा हूं कितने किसान सिर्फ BSNL यूज कर रहे हैं, अपने लिए तो सब यूज कर रहे हैं प्राइवेट की, कितने किसान सिर्फ सरकारी बस से आए, सब प्राइवेट बस से आए हुए। पंजाब में तो आपकी सरकार बरसों रही है ना, तो टैक्स आपको ले लेना चाहिए था सर फिर। इसलिए जी पंजाब में तो बरसों आपकी सरकार रही है ना, तो टैक्स आपको ले लेना चाहिए था पंजाब में फिर। नहीं नहीं, मैं तो आपसे ये बात कह रहा हूँ ना, हमारी सरकार तो पिछले 5 साल रही, इससे पहले इतने लंबे समय से 1988 से काम कर रहे हैं ये पेप्सी, 1967 से नेस्ले, क्यों नहीं इन्होंने निरस्त कर दिया? चलिए आज मुद्दा उठाए ना, आज निरस्त कर देना पंजाब की सरकार। यही मैं कह रहा हूँ, कहना कुछ करना कुछ, यही इसी कारण से भारत की राजनीतिक विश्वसनीयता का संकट हो गया है। और जिस ढंग से इन लोगों ने अपनी फितरत बदली है उसे देखकर मुझे बस यही पंक्ति याद आती है कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। और जो इन्होंने बदले उसके लिखित दस्तावेज पूरी जनता के सामने पब्लिक डोमेन कि कहा क्या था और किया क्या। एक बार हम रुक कर लेते हैं मुंबई का भी। कमलेश सुतार हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आजाद मैदान से ही। कमलेश, तस्वीर दिखाइए वहां पर, आज के दिन में क्या होने वाला है, क्या इंतजाम है? समर्थन तो सरकार की तरफ से भी मिल रहा है, सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे वहां पहुंचने वाले हैं, शरद पवार वहां पहुंचने वाले हैं, प्रमुख आलेले आहेत ते सर्व लोग।
जी मीनाक्षी, देखिए पहले आपको दिखा दूं आजाद मैदान में इस वक्त का क्या सीन है। यहाँ पर आजाद मैदान में तकरीबन बताया जा रहा है 15,000 किसान अलग अलग संगठनों के यहाँ पर मौजूद है। इसे कहा जा रहा है महापड़ाव आंदोलन। कल रात से ही किसान यहाँ पर मौजूद है। कल नासिक से निकले थे सुबह ये सारे किसान और अब यहाँ पर आजाद मैदान में है और 11 बजे यहाँ पर एक रैली होगी जिसमें कई सारे नेता शामिल होंगे यहाँ पर और कई सारी राजनीतिक पार्टियां कई सारे अलग अलग संगठनों का इसको समर्थन प्राप्त है। बताया जा रहा है कि एनसीपी के प्रमुख शरद पवार खुद यहाँ पे आएंगे। अब शरद पवार देश के कृषि मंत्री रह चुके हैं, कृषि कानून के खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज उठाई है और साथ ही साथ कांग्रेस के भी नेता यहाँ पर आएंगे, मोर्चा को संबोधित करेंगे। बताया ये भी जा रहा है कि सरकार की तरफ से उद्धव ठाकरे या तो खुद आएंगे या फिर उनका कोई प्रतिनिधि यहाँ पर आएगा शिवसेना की तरफ से इस मोर्चा को समर्थन देने के लिए। और इसके बाद में राजभवन पर मोर्चे के लिए परमिशन मांगी गई है। यहाँ से सारे किसान 15,000 किसान जो यहाँ पर जमा है ये सब यहाँ से चलते हुए राजभवन जाएंगे। अब ये यहाँ पर नारे लग रहे हैं। तीन प्रमुख यहाँ पर मांगे हैं। सबसे पहली जो है किसान कानून रिपील किया जाए, पीछे हटाया जाए, साथ ही साथ जो बिजली विधेयक है उसे पीछे लिया जाए और जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसकी डिमांड को लेकर ये सारे किसान है आजाद मैदान के। आजाद मैदान में इसी तरह से हमने कुछ सालों पहले देखा था कि जमीन के हक को लेकर यही आदिवासी राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा लेकर आए थे। आज ये मोर्चा है कृषि कानून के खिलाफ और समर्थन के लिए। दिल्ली में जो ट्रैक्टर रैली निकलने वाले किसानों के रिपब्लिक डे पर उसके समर्थन में ये रैली है और थोड़ी देर में अब यहाँ पर सभा शुरू होगी, इसमें कई सारी संगठनाएं सम्मिलित होंगी। ठीक है, आपके पास लौटेंगे कमलेश। हमारे से तमाम मेहमान भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। बालकरण सिंह ब्रार आ गए हैं, आप अध्यक्ष हैं AIKS पंजाब के। ब्रार साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, ट्रैक्टर रैली को लेकर मैं एक वाक्य कहना चाहता हूँ। जी कम्प्लीट करिए। बस एक बात, अभी कह रहे थे ना ब्रजमोहन जी गैर राजनीतिक आंदोलन है, देखिए CPI के झंडे नजर आ रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और लिखा क्या है, शेतकारी किसान कामगार संगठन, यानी किसान और मजदूर। तो इसमें कितने मजदूर कितने किसान, कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा साफ नजर आ रहा, बस इतना कह। ठीक है, चलिए इस पर हम जवाब लेंगे श्रीवास्तव जी से। लेकिन ब्रार साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, ट्रैक्टर रैली को लेकर तो आपको मंजूरी मिल गई है, लेकिन सवाल ये कि इस बात की गारंटी कौन लेगा कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, कानून व्यवस्था बनी रहेगी, कौन लेगा गारंटी? ब्रार साहब देखो मैडम, हम छह महीने से आंदोलन कर रहे हैं, 4 महीने हमने स्टेटों में आंदोलन किया है और 2 महीनों से हम देश की राजधानी के बाहर आंदोलन कर रहे हैं। एक भी ऐसी घटना नहीं हुई है। हमने रेलवे पर, टोल प्लाजों पर, पंजाब में जब आंदोलन शुरू किया, किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी और प्राइवेट प्रॉपर्टी का एक जरा मासा भी हमने कहीं नुकसान नहीं किया। इस आंदोलन की ये विशेषता रही है कि किसान है जो बिल्कुल शांतिपूर्ण सब्र के साथ 6 महीनों से आंदोलन कर रहा है, यही इस बात की गारंटी है। हम इस जो कल को ऐतिहासिक परेड निकालने जा रहे हैं उसके लिए वॉलंटियर की एक टीमें हैं जो हमारी सभी जथेबंदियों के ट्रेंड है, उसको लगाएंगे जो ट्रैफिक को मेंटेन कर सके। इसीलिए ऐसी बातें जो लोग फैला रहे हैं कि किसान ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ब्रार साहब, कोई बाहर से ब्रार साहब करता है तो वो तस्वीरें पूरे देश ने देखी थी। हरियाणा में मुख्यमंत्री की सभा रद्द हो गई थी करनाल में, वहां की तस्वीरें सबके सामने थी। दूसरी बड़ी बात, पंजाब में देखा गया किस तरह से मोबाइल टावर्स तोड़े गए, 1600 से ज्यादा टावर्स को नुकसान पहुंचा था, वो घटनाएं भी सबके सामने है। और मैं, चलिए ये तो पिछली बात हो गई, मैं आपसे आज की बात करती हूँ। पुलिस ये कह रही है कि 308 ट्विटर हैंडल पाकिस्तान से जनरेट हुए हैं जो गणतंत्र दिवस के दिन भारत में जो कार्यक्रम होने हैं, समारोह होने हैं किसान आंदोलन की आड़ में, उसको डिस्टर्ब करने के लिए। पुलिस ने ये कहा है, 308 ट्विटर हैंडल, पाकिस्तान रेडियो भी उसमें शामिल है। क्या आपको नहीं लगता कि इसे लेकर सरकार की चिंता, पुलिस की चिंता जायज है? देखो हमारे देश में बड़ी बड़ी घटनाएं पहले भी जो आतंकवादी हो चुकी है, इसके लिए पुलिस प्रशासन का काम है। बड़ी बड़ी रैलियां होती है, बड़े बड़े मेले लगते हैं, त्यौहार लगते हैं जहां लाखों लोग जाते हैं। इसीलिए ये सोचना किसी भी कोई विदेश से कोई ऐसे लोग आ रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं, उन देश की सुरक्षा एजेंसियों का, पुलिस का काम है ये व्यवस्था को बनाए रखना। लेकिन हम किसानों की तरफ से ये कहते हैं, किसान पीसफुल तरीके से आंदोलन कर रहा है और पीसफुल तरीके से ये करेगा। बात आपकी ठीक है, किसानों पर कोई सवाल नहीं उठा रहा सर, किसानों पर सवाल नहीं उठा रहे सर। सवाल ये है कि अगर अराजक तत्व उसका इस्तेमाल करने लगेंगे तो उसकी गारंटी कौन लेगा?
उसकी गारंटी सरकार को लेनी होगी। अगर राजकतात आते हैं हमारे देश में कैसे आते हैं? मोदी जी तो बोल रहे हैं हमने पाकिस्तान का ये कर दिया वो कर दिया, अभी भी राजकतात आ रहे हैं। पिछली 7 साल से जो सरकार चल रही है केंद्र में, उन्होंने बोला कि पिछली सरकारों ने आतंकवाद को नहीं रोक पाई लेकिन हमने रोका है। अब जो ऐसे आंसर आएंगे तो वो कैसे आएंगे जब पहले ही सरकार दावा कर चुकी है कि ऐसा आंसर देश में मौजूद नहीं है, हमने रोक दिया है। दूसरी बात, आप इतने बड़े गिनती को बात कर रहे हो कि किसान बड़ी गिनती में इकट्ठा हो गए, इतनी बड़ी गिनती के अलावा मैं पहले भी बोल चुका हूं बड़ी बड़ी रैलियां राजनीतिक लोग करते हैं। सर मैं आपको एक सेकंड यहां पर रोक रही हूं क्योंकि हमारे पास एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। ठीक है सर, इस वक्त एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, वो दर्शकों को देना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।